बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा एयरपोर्ट का निर्माण अगले साल जनवरी से होगा। सालाना 1 करोड़ यात्री क्षमता वाले इस हवाई अड्डे का निर्माण 2 चरणों में होगा। पहले चरण में इसे 50 लाख यात्री क्षमता के लायक बनाया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में क्षमता दोगुनी की जाएगी। पहले चरण के तहत बिहटा एयरपोर्ट पर टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। टर्मिनल भवन 2 साल में बन जाएगा। टेंडर डालने की तिथि बुधवार से शुरू हो गई है। AAI मुख्यालय से जारी टेंडर के अनुसार बिहटा का टर्मिनल भवन G+2 होगा। इसकी लागत करीब 655.85 करोड़ होगी। टर्मिनल भवन, यूटिलिटी बिल्डिंग, एलिवेटेड रोड, एयरपोर्ट सिस्टम, IT सिस्टम और सिक्योरिटी सिस्टम का भवन, ऑपरेशन ऑन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और अन्य निर्माण होना है। इसमें 613.76 करोड़ निर्माण और 52.9 करोड़ रिपेयर आदि पर खर्च होंगे। यह ढांचागत रूप से बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जो भविष्य में पटना एयरपोर्ट का विकल्प बनेगा। निर्माण से जुड़ी एजेंसियां 5 नवंबर तक आवेदन कर सकती है। इसके 1 माह बाद टेंडर का निर्णय होगा। बिहटा एयरपोर्ट को नागरिक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने में 1,413 करोड़ खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने दिसंबर से पहले सप्ताह में इस राशि की मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण की घोषणा वर्ष 2014 में हुई थी। दरभंगा और पूर्णिया के मुकाबले बिहटा एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा होगा।